स्वागत है आपका टेक एफएक्यू चैनल में नए वीडियो के साथ। ये है वीडियो टेक फैक्ट के बारे में, जो कि टेक फैक्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कोई भी टेक फैक्ट इंटरेस्टिंग होगा बहुत ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम नंबर वन टेक फैक्ट होगा आज का VCR के बारे में, जो कि जैसा कि आपको पता है VCR के बारे में और VCR की हिस्ट्री और VCR होता क्या है, VCR का काम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं VCR को बता दूँ। VCR होता है एक वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जो कि आपको पता होगा 90s के ज़माने में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। VCR एक्चुअल होता क्या है? VCR एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होता है, जो कि एनालॉग ऑडियो और एनालॉग वीडियो को रिकॉर्ड करता है किसी भी दूसरे सोर्स से, या फिर किसी भी टेलीविज़न से, या फिर कंप्यूटर से, किसी भी सोर्स से, जिसको आप रिकॉर्डिंग को प्लेबैक कर सकते हैं और प्री रिकॉर्डेड टेप्स को भी प्लेबैक कर सकते हैं। तो ये है VCR और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री बताते हैं। इसकी हिस्ट्री ये है, 1953 में डॉक्टर नोरिकाज़ू सावाज़ाकी ने इसका एक प्रोटोटाइप बनाया था, जो कि हेलिकल स्कैन वीडियो रिकॉर्डर के नाम से था। लेकिन ये इतना बड़ा था कि इसका साइज एक पियानो जितना था, पियानो जैसे था। लेकिन जो 1956 में उसके बाद अगला आया था VCR, उसका साइज एकदम पियानो जैसा था। पहले की टेक्नोलॉजी में यही था कि काफ़ी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होती थी, जिसको मेंटेन करना, जिसको इधर से उधर ले जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। और हमको पता है एक पियानो कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा पियानो होता है। तो उस समय ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। उसके बाद 1956 में ही एक दूसरा VCR आया, जिसका नाम था F.A.Q. F.A.Q. VX 1000, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुली VCR बन गया, जो टेलीविज़न नेटवर्क्स होते हैं वो उनमें यूज़ होने लगा। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ टेलीविज़न नेटवर्क्स में, टीवी सीरियल्स वाले, मूवीज़ वाले इनको यूज़ करने लगे। लेकिन इसकी खामी ये थी कि ये बहुत ही महंगा था, जो कि नॉर्मल पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसका US डॉलर का प्राइस था $50,000। यस, $50,000 बहुत होता है उस ज़माने में भी, और आज भी $50,000 बहुत होता था है। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके बाद, इसके आने के बाद 1950s में जब ये आ गया M-Pex, तो उसके बाद बहुत सारी कंपनी जो अपने और VCR लाने लगी। जैसे 1956 के बाद 1963 में तोशिबा अपना नया रील टू रील वीडियो टेप रिकॉर्डर लाई, जिसको VTR उन्होंने कहा। उसके बाद 1969 में दूसरी कंपनी फिलिप्स, वो अपना नया वीडियो रिकॉर्डर लाई। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, और जैसे जैसे टाइम चलता गया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उनका साइज़ छोटा होता गया, उनकी प्राइस गिरती गई। और 90s के डेकेड में ऑलमोस्ट हर घर में VCR मिलने लग गए। और इनफैक्ट अभी भी इंडिया में हमारे घर पे भी, आपके घर पे भी VCR मिल जाएगा। VCR नहीं तो वीडियो रिकॉर्डर तो नॉर्मली वीडियो रिकॉर्डर तो मिल जाए, लेकिन अब उसकी जगह स्मार्टफोन ने ले लिया, तो जिसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। स्मार्टफोन ने कईयों की जगह, कई सारी चीज़ों की जगह ले रखी है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। लेकिन VCR यही था, VCR के बारे में बताया यही। और कुछ अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स में कर बता दीजिए, अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बता दीजिए ना कमेंट्स में। और यही था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और टेक फैक्ट जो है वो वीक में एक या दो बार आएगा। टेक फैक्ट सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी और ऐसी ज्ञान की बातें होती रहेगी। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड बाय।